चरण की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। और जैसे ही उसकी चीख जंगल में गूंजी, उसके साथ साथ पुरोहित के घर में सो रहे रोहित की भी चीख निकल गई। रोहित चीखता हुआ उठ गया और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वो पुरोहित के घर में अपने बिस्तर पर था। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ बोलने की स्थिति में जरा भी नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। उसकी चीख सुनकर उसी के साथ सो रहा सचिन भी हड़बड़ाकर जाग गया और बोलते हुए उठा, क्या हुआ? सचिन की नजर साथ वाले बिस्तर पर स्टैचू बने बैठे रोहित पर चली गई, जो एक टक होकर ठीक अपने सामने की दिशा में ही देखे जा रहा था। सचिन ने उसे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ रोहित, आज फिर कोई भूतनी देख लिए हो क्या? सचिन के हिलाने से रोहित अपने उस भयानक सपने से बाहर आया और उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा, जिसमें सुबह के 5 बज रहे थे। उसने अपना पसीना पास ही रखे हुए अपने रुमाल से पोंछा और सचिन से कहा, सचिन, सपने में उस लड़की ने एक आदमी को मार डाला यार। रोहित ने कहा, सचिन, वो पहले एक खूबसूरत सी लड़की थी, फिर देखते ही देखते चुड़ैल बन गई और उसने उस आदमी को मार दिया। कितना भयानक सपना था, और अपने सपने में ये लड़की तो आज पहली बार देखी मैंने। सचिन को रोहित का सपना सुनकर उस पर गुस्सा आने लगा और उसने जोर से उसकी कमर पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तू ये क्या हर समय ये अजीब अजीब सपने देखता रहता है? कभी तू हवेली देखता है, तो कभी चुड़ैल, तो कभी कोई लड़की। मैं तो तंग आ गया यार तेरे इन सपनों से। ना खुद चैन से सोता है, ना मुझे सोने देता है। लेकिन रोहित अभी भी बहुत घबराया हुआ था और उसने सचिन को अपनी परेशानी बताते हुए कहा, सचिन यार सुन तो मेरी बात। वो देख, सामने वाली घड़ी में सुबह के 5 बजे हैं। और इसका मतलब जानता है तू? सचिन ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब घड़ी में 5 बजने का भी कोई मतलब होता है क्या? रोहित ने सचिन को समझाते हुए कहा, हाँ होता है ना। मेरे कहने का ये मतलब है कि सुना है सुबह के 5 बजे के सपने सच होते हैं, और अगर ये सपना भी सच निकला तो? सचिन ने उसकी बात को बीच में से ही काटते हुए कहा, आज तक कोई सपना सच हुआ है जो ये होगा? चल उठ जा, अब उठकर चाय वाय का देखते हैं क्या इंतजाम है। रोहित की किसी भी बात को सचिन मानने को तैयार नहीं था। दोनों अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे घर के आंगन में आ गए। उन्होंने देखा कि पुरोहित जी चाय पी रहे थे और मिताली रसोई में थी। उन दोनों को देखते ही पुरोहित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप दोनों उठ गए, आइए आइए, आप यहाँ पर बैठिए जब तक मैं मिताली को चाय के लिए कहता हूँ। वो दोनों मुस्कुराते हुए आए और आकर वहीं पुरोहित जी के साथ ही रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। तभी पुरोहित जी ने मिताली को आवाज दी और कहा, मिताली बेटा, मेहमानों के लिए भी चाय ले आओ। मिताली ने वहीं रसोई से ही जवाब दिया, जी पिताजी, अभी लाई। कुछ ही देर में मिताली हाथों में ट्रे लिए हुए बाहर आई और रोहित की नजर जैसे ही मिताली पर गई तो वो उसे बस देखता ही रह गया। रात के अंधेरे में रोहित बस एक झलक ही देख पाया था मिताली की, लेकिन अब वो उसे दिन के उजाले में एक ही नजर में सिर से पांव तक अपलक देख रहा था। उसका खूबसूरत गोरा रंग हल्के गुलाबी रंग के सूट में और भी गुलाबी लग रहा था, और उसके भीगे हुए खुले बाल भी किसी सावन की घटा से कम नहीं लग रहे थे। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो शायद अभी अभी नहा कर आई थी। मिताली ने जैसे ही चाय की ट्रे रोहित के सामने रखी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसने चाय का कप अपने हाथों में उठा लिया। मिताली जैसे ही चाय देकर रसोई की तरफ मुड़ी तो रोहित, जो लगातार उसे ही देख रहा था, उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से गर्म चाय का कप हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। चाय का कप गिरने से मिताली जल्दी से वहां आई और इससे पहले कि वो कुछ बोलती,
पुरोहित जी ने कहा। अरे मिताली, देख क्या रही हो बेटा, जल्दी से साफ करो यहाँ से। मिताली ने देखा कि कप टूट गया है और चाय चारों तरफ बिखर गई है, इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और वो सब कुछ समेटने के लिए आगे आई और उसने फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, पिताजी भी पता नहीं किस किस को उठा लाते हैं घर में, जिन्हें चाय तक भी पीनी नहीं आती। पुरोहित जी ने मिताली से एक बार और कहा, अब बड़बड़ाती ही रहोगी या दोबारा से चाय भी लाकर दोगी? अपने पिता की डांट सुनकर वो जल्दी से टूटे हुए कप के टुकड़े समेट कर दोबारा से रसोई की तरफ चली गई। पुरोहित ने रोहित से कहा, माफ कीजिएगा, थोड़ी बड़बोली है मेरी बच्ची, मगर दिल की बिल्कुल साफ है। रोहित मन ही मन सोचने लगा, थोड़ी नहीं बहुत बड़बोली है। इस तरह से सभी ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर पुरोहित जी अपने काम से निकल गए। उनके जाने के बाद सचिन ने रोहित से कहा, रोहित मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और कुछ देर में आऊंगा, तब तक तुम यहीं ठहरो। सचिन के जाने के बाद रोहित आराम से अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया और अपने रात वाले सपने के बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में लगातार अभी तक हो रही हर घटना घूमने लगी और वो आंखें बंद किए सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। एक बार फिर उसका दिमाग ये सब सोचता हुआ उन्हीं सपनों की दुनिया में पहुंच गया। उसे बार बार वो ही सब दिखाई देने लगा और उसने घबरा कर अपनी आंखें खोल ली। रोहित के दिल की धड़कने ये सब सोचते सोचते इतनी तेज चलने लगी कि उसे अपनी धड़कने आसानी से सुनाई दे रही थी। रोहित बेचैन होकर अपने कमरे से निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि वो जिन सीढ़ियों से उतर रहा है वो पुरोहित के घर की सीढ़ियां नहीं है, बल्कि किसी बहुत पुराने घर की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के नीले रंग को देखकर रोहित को अजीब सा लग रहा था। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट मिली तो वो नीचे उतरते हुए देखने लगा। सामने से करीब 22-23 साल की कोई लड़की आ रही थी जिसने बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और हल्का सा घूंघट लिया हुआ था, जिसके कारण रोहित को उसकी शक्ल अच्छी तरह से नहीं दिख पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर आ रही थी। उसके हाथों में धूपदानी थी जिससे निकलते हुए धुएं को वो अपने हाथ से चारों तरफ फैला रही थी। उस लड़की को देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी हवेली में रहने वाली रौबदार रईस औरत हो। तभी धूपदानी से आग की एक चिंगारी निकली और उस लड़की के साड़ी में जा लगी और देखते ही देखते उसकी साड़ी जलने लगी। रोहित ने जैसे ही ये देखा वो बुरी तरह से घबरा गया और वो तेजी से उस लड़की की ओर आया और उसकी साड़ी में लगी आग को अपने हाथ से बुझाने लगा। वो लगातार अपने हाथ से ही उस लड़की के शरीर पर उस जलती हुई साड़ी को बचाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उस लड़की को पकड़े भी हुआ था। तभी किसी ने रोहित को जोर से धक्का दिया तो वो सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा। उसी वक्त रोहित के कानों में मिताली की आवाज आई जो गुस्से से कह रही थी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? समझते क्या हो खुद को? ऐसे अकेली लड़की देखकर उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो? रोहित जैसे मिताली के गुस्से के कारण अपने होश में आया और वो ये देखकर चौंक गया कि वो वापस पुरोहित के घर पर ही खड़ा है और वो पुरोहित के घर की सीढ़ियां थी, लेकिन सामने कोई औरत नहीं थी बल्कि मिताली खड़ी थी। रोहित हैरानी से उसे देख रहा था। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, मैं वो यहाँ भी कोई और ही था, मैं उसे आग से बचाने की कोशिश कर रहा था, तुम नहीं थी यहाँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था सच में। अभी वो ये सब बोल ही रहा था कि वहां पर सचिन आ गया और सारी सिचुएशन समझकर रोहित का बचाव करते हुए मिताली से कहा, देखिए मिताली जी,
मेरे दोस्त का कोई भी गलत इरादा नहीं था। वो बस कुछ दिनों से परेशान चल रहा है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप ये बात अब यहीं खत्म कर दीजिए, मिताली ने सचिन से गुस्से में कहा। लेकर जाइए अपने इस पागल दोस्त को और इसे आराम करने को कहिए। सचिन ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ऊपर के कमरे में ले गया और वहां उसे पानी पीने को देते हुए कहा। यार ये क्या ड्रामा था। लेकिन रोहित ने कुछ नहीं कहा और वो खामोशी से बैठा रहा। सचिन भी अब बात को न बढ़ाते हुए रोहित के पास बैठ गया और आई कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले मेरे भाई, काम हो गया। रोहित जो अभी तक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उसने चौंक कर सचिन की तरफ देखा और आई कार्ड लेकर ध्यान से देखते हुए पूछा, ये कौन से कार्ड ले आया यार? सचिन ने एक्साइटेड होते हुए बताया, अरे यार अब कोई टेंशन नहीं है, मैंने हम दोनों के लिए पुरातत्व विभाग के दो फर्जी आई कार्ड बनवा लिए हैं। रोहित ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए पूछा, तो इसका हम क्या करेंगे? सचिन ने उसे समझाते हुए कहा, देख यार, यहाँ वो जो पुराना मंदिर है वहां पर पुरातत्व विभाग की तरफ से खुदाई का काम चल रहा है, तो थोड़े दिन हम भी वही काम करने का दिखावा करेंगे और फिर मौका मिलते ही अपना मूर्ति सफाई का काम पूरा कर देंगे। बोल कैसा लगा मेरा आइडिया? रोहित को भी सचिन का प्लान बहुत पसंद आया और फिर दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। उसके बाद दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और सचिन अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और रोहित पुरोहित जी के साथ नीचे बैठकर बातें करने लगा। तभी अचानक से बाहर शोर होने लगा। रोहित और पुरोहित जी दोनों तेजी से उठकर घर के बाहर की तरफ गए और उन्होंने देखा कि गांव के काफी लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। उन्हें ऐसे जाते देखकर ये दोनों भी साथ हो लिए। उन्होंने देखा कि कुछ गांव के लोग जंगल से एक लाश लेकर आ रहे थे और वहां काफी भीड़ जमा थी। उन लोगों ने लाश को लाकर वहीं जमीन पर रख दिया। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी ने उस लाश को ध्यान से देखा और कहा, अरे ये तो अपना चरण सिंह है, ये तो कल शहर गया था किसी काम से, फिर ये जंगल में कैसे पहुंच गया? तभी वहीं पास ही खड़े हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, इसकी लाश को देखकर तो लगता है कि किसी जंगली जानवर ने इसका शिकार किया है। रोहित जो बहुत देर से ये सब ध्यान से सुन रहा था और देख रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, इसे कोई जंगली जानवर ने नहीं बल्कि उसी चुड़ैल ने मारा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। रोहित ने जैसे ही चीख कर चुड़ैल का नाम लिया, सब उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। तभी उसमें से एक नवयुवक रोहित के पास आया और उसने रोहित से हैरान होते हुए पूछा, कौन है आप और ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है चुड़ैल ने मारा है? रोहित के माथे से पसीने की बूंदे टपक रही थी और वो एक टक बस चरण सिंह की लाश को ही देखे जा रहा था। उसका चेहरा डर और घबराहट की वजह से सफेद पड़ चुका था और रात का देखा हुआ सपना अभी भी उसकी आंखों के सामने ही घूम रहा था। तभी उस नवयुवक ने दोबारा उसे कंधे से हिलाते हुए पूछा, अरे भाई बोलते क्यों नहीं, कौन है आप और ये क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हो? ये चुड़ैल और भूतनी? रोहित ने घबराते हुए कहा, देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, यही सच्चाई है। इस चरण सिंह को किसी चुड़ैल ने ही मारा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तभी एक और आदमी आगे आया और उसने थोड़ा खींचते हुए रोहित से पूछा, अरे भाई तुमने उस चुड़ैल को चरण सिंह को मारते हुए देखा है क्या? रोहित ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ मैंने ये सब कल रात ही अपने सपने में देखा था और देखो वही हुआ। उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े हुए सभी लोग उस पर हंसने लगे और एक ने कहा, अभी ये कह रहा था कि इसने अपने आंखों से देखा और अब ये कह रहा है कि सपने में देखा। अरे तुम ठीक भी हो या नहीं,
कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो हमारे गांव के बारे में ऐसी अजीब अजीब बातें फैला रहे हो। पुरोहित ने देखा कि सभी गांव के लोगों को रोहित पर गुस्सा भी आ रहा है और कुछ उसका मजाक भी बना रहे हैं, इसलिए वो आगे आया और उसने रोहित का बचाव करते हुए कहा, जी ये परसों ही शहर से पुरातत्व विभाग से आए हैं, यहाँ मूर्तियों पर रिसर्च भी करेंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे, लगता है इन्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। ये कहकर वो रोहित का हाथ पकड़कर भीड़ में से खींचते हुए घर ले गए। रास्ते में कई बार रोहित ने पुरोहित जी से इस घटना के बारे में बात करनी चाही, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और वो उसे घर ले आए। रोहित भी अब बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर बाद अपने अशांत मन को शांत करने के लिए वो खेतों की तरफ टहलने निकल गया। शाम के 5 बज चुके थे और वो टहलता हुआ एक नदी के किनारे बैठ गया और अभी तक की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। वो यूं ही बैठा नदी में पत्थर मार रहा था, तभी उसे नदी के पानी में किसी लड़की का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। उसने तुरंत मुड़कर अपने पीछे देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसकी गलत फहमी होगी और यही सोचते हुए वो दोबारा नदी की तरफ देखने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो, रोहित। रोहित चौंक कर उठा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो वापस जैसे ही नदी की ओर मुड़ा, उसे वहां पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी, जिस जगह पर पहले वो खुद बैठा हुआ था। वो तेजी से उस लड़की को देखने के लिए उसके पास आया और जब उसने पास आकर उसे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि नित्या थी। वही नित्या जिसे उसने चिता पर जलते हुए देखा था। एक पल के लिए तो रोहित को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा से पलके झपका कर उसे देखा तो उसे समझ आया कि वो कोई और नहीं नित्या ही थी और रोहित को देखकर मुस्कुरा रही थी। रोहित ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों के सामने वो ही जलती हुई चिता और उस पर बैठी हुई वो लड़की आ गई और वो सब याद करते ही उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसे पिछली शाम का एक एक पल याद आने लगा और उसने कांपती हुई आवाज में नित्या से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम तो नित्या हो ना, और तुम ही कल उस जलती हुई चिता पर थी ना? रोहित की बात सुनकर वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी और उसने रोहित का मजाक बनाते हुए कहा, अच्छा अगर मैं चिता पर बैठी थी तो फिर बच कैसे गई और आज फिर आपके सामने कैसे बैठी हूँ? रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने घबराते हुए उससे पूछा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे, और मान भी लो कि अगर तुम वो चिता वाली नहीं भी हो तो भी तुम कल अचानक से कैसे गायब हो गई? रोहित के सवाल को सुन उस लड़की के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। आखिर कौन है नित्या और क्यों नजर आ रही है वो रोहित को बार बार? क्या है रोहित के सपने का राज? जानने के लिए सुनते रहिए मंडोलिका सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।